तो ग्राफ देखो क्लियर है ये ग्राफ तो समझ आ रहा है ना। देखो जब एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी है ये जीरो की तरफ है और आपको पता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है तो ये इंक्रीज करता हुआ गया है ना जीरो यस तक मैम, पहुंचा आपका। अब जीरो के बाद आपको पता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है ऊपर से जब एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफिनिटी है वहां वाई कहाँ पे जा रहा है जीरो पे तो ये ऐसे जाए ठीक है क्लियर ठीक है। है यस चलिए आपको मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्राफ ये क्वेश्चन। होमवर्क में प्लॉट करके लाएंगे ये याद रखना है और इसका ग्राफ याद रखा जाता है। इसे एस्ट्रॉइड बोलते हैं। एक्स टू पावर 2/3 प्लस वाई टू पावर किसको टू बाई एस्ट्रॉइड, थ्री किसको बोलते ये जो भी कर्व लिख रहे हो ये तो जो होता है एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड ठीक एस्ट्रॉइड? है। तो ये प्लॉट करके लाएंगे आपको ना आपको दिख रहा है सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है। देखो एक्स और वाई दोनों की डिग्री इवन इसका स्टार टाइप का बनता है शायद, है। ऐसे कर्व। ये थोड़ा सा इस तरह का होता है कर्व बना देती हूँ कि यदि आप स्क्वायर को ही दबा दे ये होता हाइपरबोला, है ये ग्राफ होता है इसका। यस मैम। तो आपको क्या करना है क्योंकि आपको दिख रहा है ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सेस है तो आपको एक साइड का एक ग्राफ सिर्फ प्लॉट करके लाना है। ये प्लॉट कर लेना ये प्लॉट कर लोगे तो बाकी चारों वैसे ही जाएगा क्योंकि सिमेट्रिकल है आपका है ना सिमेट्रिकल है दोनों एक्सेस। एक दो ग्राफ और लिख लीजिए चाहे क्वेश्चन लिखो। चलिए एक और कर लेते हैं प्लॉट फिर आपके क्वेश्चन पे आएंगे। देखो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x एक्स हाँ बोलिए जरा सिमेट्रिकल अबाउट क्या होगा ये किसी एक्सिस में सिमेट्रिकल है नहीं सिमेट्रिकल तो नहीं है ना ऑड है, ऑड फंक्शन ऑड ऑड है मैम, ऑड तो है। एक्स एक्सिस। अच्छा एक्स नेगेटिव है चलिए सिमेट्रिकल अबाउट हो गया है फिर आपका ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका कहाँ से यहाँ से पहले से लिखो ये y इज इक्वल टू कर्व को देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर माइनस टू। अरे ये तो आप वैसे भी प्लॉट कर लो ये तो आप सिंपल प्लॉट कर लो साइन स्कीम से ये तो साइन स्कीम से प्लॉट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हो जाएगा मैम। हाँ ये साइन कन्वेंशन से प्लॉट कर सकते हो साइन स्कीम से बनाओ उसे आसानी से प्लॉट हो। आपके पास माइनस टू है जीरो है एंड टू माइनस टू है जीरो है एंड टू होगा ना टू से पहले पॉजिटिव प्लस माइनस तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है फिर आपका नेगेटिव होगा देन फिर से पॉजिटिव होगा फिर से नेगेटिव होगा ये तो ये कर्व या इसी में आप यदि आप लिखें एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर फॉर एग्जाम्पल ये आपको प्लॉट करने के लिए दिए तो साइन स्कीम से कैसे प्लॉट किया जाता है आपके पास चार क्रिटिकल पॉइंट्स हैं पॉइंट्स आर 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 4 से पहले कैसा है ये आपका पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऑल्टरनेट चलेगा तो यहाँ पे ग्राफ इज पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है तो ये तो आप साइन यस स्कीम मैम, से बना सकते हो इसके लिए तो मुझे उतना करने की जरूरत नहीं।
के नाम सब कह के सिमेट्रिकल कैसे है क्या क्या, ठीक है, ये वैसे ही प्रूव हो जाए। चल अब आगे लिखी थ्योरी में देखो, कर्व ट्रेस कर लेंगे रफली, रफली तो ट्रेस कर लेंगे ना अभी कोई कोई कर्व। यस मैम। चलिए आगे लिखेंगे, अब हेडिंग मुझे पुट करो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। अब कर्व ट्रेसिंग हमने सीख ली है, एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट लिखिए एरिया बाउंडेड बिटवीन, bounded between y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and x-axis, and x-axis. Area bounded between y is equal to fx, x is equal to a, x is equal to b and x-axis. मतलब roughly हम लोग graph plot कर रहे हैं, देखो वो कह रहा है एक कर्व है आपका वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, लेट आपका ये कर्व है कोई भी, ये आपका कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, आपको फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स इज इक्वल टू ए, लेट दिस लाइन बी एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू बी ये आपका कोई लाइन होगा एक्स इज इक्वल टू बी, है ना, एंड एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपको, इट मीन्स आपसे ये एरिया मांग रहा है, आपसे ये एरिया मांग रहा है, ठीक है। तो ये एरिया क्या होता है आपका, देखो अब हम लोग इसमें यूज करते हैं आपका वर्टिकल स्ट्रिप मैप। अब फॉर एग्जांपल देखो, ये हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ले ली, मान लीजिए ये ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये जो है आपका ये तो y, तो फंक्शन है ना आपका y is equal to fx, ये आपका y है और ये पूरा आपका x है, तो ये छोटे से पार्ट को ये हो गया आपका dx, dx क्या है इसका एक छोटा पार्ट है, आपको दिख रहा है जो स्ट्रिप है, क्योंकि हमने एक छोटी स्ट्रिप ली है तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर टाइप, देखो ये आपका एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें उसकी हाइट चेंज हो रही है, हर बार वाई तो एफ एक्स है चेंज होगा और डी एक्स आपका ये छोटी छोटी स्ट्रिप्स, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, ये कितना होगा वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, है ना, और इसी को आप बार बार आगे बढ़ाते जाओगे तो आप पूरा एरिया कवर कर लो, है ना, इसी को यदि हम ऐसे बढ़ाएंगे तो पूरे एरिया के कवर कर लेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, जो एरिया होता है वो इसका इंटीग्रेशन होता है, कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको, ए टू बी वाई डी एक्स, या आप इसे बोल दे ये हो जाएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसे हम लोग बोलते हैं वी एस मैथड, वी एस मैथड, या फिर बोला जाएगा वर्टिकल स्ट्रिप मैथड, वर्टिकल स्ट्रिप मैथड। ठीक है, सेकंड लिखिए। यस मैम।
बी लिखेंगे एरिया बाउंडेड बिटवीन, एरिया बाउंडेड बिटवीन बिटवीन एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी एंड वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी एंड वाई एक्सिस. ठीक है, अब मान लीजिए कोई कर्व आपको दिया है, अब y एक्सिस के बीच में निकालना है तो कर्व को वैसे ही कुछ प्लॉट कर लेते हैं हम, लेट आपका कर्व ऐसा कुछ था, ये आपका था x इज इक्वल टू एफ वाई, आपको लाइंस दे रहा है y इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू ए, मान लीजिए ये आपका y इज इक्वल टू ए है, ये y इज इक्वल टू बी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं HS method, horizontal strip method. हम लोग क्या करेंगे, horizontal strip draw करेंगे. ठीक है, तो ये तो बड़ी बन गई है, मान लीजिए जैसे हाफ, तो उसका जो छोटा पार्ट होगा आपकी बार y पे वेरिएशन कर रहा है, तो ये dy है और ये आपका x है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन a टू b x dx, आप बोल दे इंटीग्रेशन ए टू बी और dx नहीं है dy, x dy dy, देखो x के साथ dy आ रहा है, y के साथ dx आ रहा है, और इसे बोला जाता है HS method या horizontal strip method, horizontal strip method. ठीक है, तो आपका हो गया VS method and HS method. और देखो ध्यान रखेंगे इसमें दोनों में, ऊपर लिख लो पहले, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब आप HS method, VS method में तो एरिया ऊपर वाला यहाँ पे लिख लेंगे, नोट करके, एरिया बिलो x एक्सिस इज नेगेटिव, एरिया बिलो x एक्सिस, डेफिनेट में भी देखा था हमने x एक्सिस इज नेगेटिव है ना, और एरिया अबव x एक्सिस इज पॉजिटिव, और HS yes, में आप क्या बोल सकते हैं, एरिया लेफ्ट y एक्सिस, एरिया लेफ्ट ऑफ y एक्सिस वो आपका नेगेटिव होता है और राइट में आपका हो जाता है पॉजिटिव, जब आप HS मेथड यूज करते हैं, HS मेथड में राइट साइड वाला एरिया पॉजिटिव, लेफ्ट वाला एरिया नेगेटिव. ठीक है, तो जब हम लोग लिखेंगे ना, अब देखो ये ऊपर वाला ज्यादा ही उसमें आता है, इसी को देखो यदि मैं नोट करके लिखूं, मान लीजिए आपको कर्व वैसे दिया गया है, अब एक कर्व बनाते हैं, देखो मान लो आपका ये कोई था है ना, और आपको कर्व बस ये दिया गया है, ठीक है, और कहीं पे आपको दे रहा है कि ये x इज इक्वल टू ए है आपका, लेट इट बी x इज इक्वल टू ए, और ये आपका x इज इक्वल टू बी, ये x इज इक्वल टू बी है ना, ए बी कर्व एंड x एक्सिस के बीच का एरिया पूछ रहा है, मतलब एरिया की डिमांड आपसे ये कर, एरिया आपको चाहिए. ठीक है, तो आपको पता है कि ये एरिया पॉजिटिव है और ये एरिया कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ये तो बिलो x एक्सिस है ना, तो यदि आपने VS method लगाया, आप स्ट्रिप तो बच्चे ऐसे ही क्रिएट करो, तो वो वाला पॉजिटिव एरिया है और ये वाला नेगेटिव एरिया है, तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको मिलेगा तो ये सी पॉइंट ढूंढना है, तो यहाँ पे एरिया को कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप एरिया को ऐसे लिखोगे कि एरिया इज इक्वल टू कितना होगा, जो जो पॉजिटिव है वो तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और जो नेगेटिव है आपको पता है वो नेगेटिव है, आप उसे मोड के साथ लिखोगे या आगे माइनस लगा के रखो, ठीक है,
ये लिख लो चाहे तो नोट करके। तो अभी तक हमने देखा है एरिया अंडर कर्व में कि या तो हमारा एक्स एक्सिस से अभी तक एक कर्व था, कर्व आपका एक ही था, या एफ वाई मान लें या फिर एफ एक्स मान लें, चाहे एफ वाई मान लें या फिर एफ एक्स मान लें, आपका कर्व एक सिंगल था। सेकेंड टाइप इसमें आता है एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व, एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व। तो पहले इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बाउंडेड बिटवीन टू कर्व पे आए। चलिए पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बाय कर्व एक्स इज इक्वल टू टू वाई माइनस वाई स्क्वायर, टू वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड एंड y is equal to 0, y is equal to 2, y is equal to 0, y is equal to 2, and y axis. And y axis. Y is equal to 0, y is equal to 2, and y axis. ठीक है, अब देखो जरा ये ग्राफ वैसे ही नहीं लग रहा आपको जैसे x पे आपने साइन स्क्वायर बनाया। अब ये देखो y में बना के देखो ये लिखा क्या हुआ है, x इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकती हूँ कॉमन ले लू y, 2 माइनस साइन है ना, या इसे वैसे नेगेटिव को बाहर निकाल लो आप y, y माइनस, सोचो ये y एक्सिस है ना, ये y एक्सिस है, आपके पास है 0 और 2, पर क्योंकि अभी बाहर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये वैसे नेगेटिव से स्टार्ट होगा आपका, यही होगा ना, ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव है और वहां पे जाके फिर से पॉजिटिव हुआ और फिर नेगेटिव हो गया, दिख रहा है? तो यहाँ पे यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो 0 होगा कहीं पे 2 होगा, तो ये ग्राफ ऐसा होगा, देखो ये ग्राफ है ना। यस मैम। ठीक है चलिए थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं इसे। तो ग्राफ है आपका ये वाला, अब एरिया निकालो, ये ग्राफ मान लीजिए आपका ये हो गया, ठीक है ये आपका कर्व हो गया x is equal to 2 by minus y square, this line is y is equal to 2, ये आपका y is equal to 2, y is equal to 0, it means हम ये एरिया निकालेंगे, ठीक है तो आप HS method लगाओगे तो एरिया क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 0 से 2, 0 से 2 x dy, तो ये हो जाएगा 0 से 2 x is what, x है आपका 2 by minus y square dy, और ये इंटीग्रेट करना तो आता है, ये हो जाएगा 2 y square by 2 minus y cube by 3, 0 से 2, ये हो जाएगा आपका कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब एरिया निकाल लो आप जल्दी से, निकाल के बताओ, 4 by 3, 4 by 3, 4 by 3 में, तो आंसर इज 4 by आंसर इज 4 बाय 3। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन इज Find the area bounded between y is equal to e to power x
x is equal to minus 1, x is equal to 2, and x-axis. And x-axis. E square minus 1 upon E. E square minus 1. Minus 1 by E. Upon E. Pure ke niche hi hai ya E square minus 1 by E? E square minus 1 by E. E square minus 1 by E. Baki sir? Haan mam, aa gaya. ठीक है, तो आपको कर हो जाएगा कैसा, y is equal to e to power x, आप जानते हैं इसका ग्राफ होता है आपका ये, ठीक है। ये कह रहा है x is equal to minus 1 लीजिए, x is equal to 2 लो और इसके बीच का एरिया, तो एरिया ही होगा, तो एरिया हो जाएगा आपका एरिया is equal to minus 1 से 2 e to power x, ये हो जाएगा आपका e square minus 1। Next लिखूंगी, find the area area bounded between या bounded by the curve y is equal to x 1 minus x square and x-axis. Zero. लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? लिमिट दिखेगा ना आपको y एक्सिस जहां पे कट कर रहा हूँ, x एक्सिस को देखो, ये जो ऊपर वाला कर्व आपको फोर्स दिया था ना, तो इसको यदि वो देता ना आपको, देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन पे देखो, यदि वो ये नहीं देता ना आपको, ये नहीं देता, तो बच्चे y एक्सिस और कर्व के बीच में यही एरिया बाउंड हो रहा है। यस मैम। यदि वो लिमिट भी नहीं देता आपको, तो यहाँ पे भी तो लिमिट नहीं दी है। सबसे पहले तो कर्व देखो, कर्व कैसा है। वन सेकंड रुकिए सर, एक मिनट, देखो पहले सिंपल लाइन पे मैं प्लॉट कर रही हूँ। अब इसे आप x 1 माइनस x लिख लो या x x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख लो, तो यदि ये प्लॉट हुआ तो इसके पास जीरो और वन, जीरो और वन है ना। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही होगा, फिर आपका नेगेटिव होगा। वन माइनस एक्स स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर है। वन माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं नहीं एक्स वन माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स का स्क्वायर। आप लिख लीजिए चाहे यहाँ पे बिटवीन, ये कंफ्यूजन हो रहा है, x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू वन है ना। अब ग्राफ प्लॉट करो और मुझे एरिया बताओ कितना है।
आप लोग वन से ढूंढ जीरो में ढूंढ रहे हो, देखो जरा। अब ये जीरो है, ये बचे आपका वन। वन से पहले भी वो पॉजिटिव था, वन पे वो जीरो हुआ है, ये पॉजिटिव ही ग्राफ करूंगा। वन पे वो कैसा है? जीरो हुआ है। और वन से जीरो के बीच में वो कैसा है? पॉजिटिव है। और जीरो के बाद वो कैसा हुआ है? नेगेटिव हुआ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव। और ये पीछे वाले की तो जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ इतना ग्राफ चाहिए, ऐसा ग्राफ जीरो से वन। तो आपको दिख रहा है? आप स्ट्रिप बना ले अपनी। तो ये हो गया आपका एरिया इज इक्वल टू जीरो टू वन y dx, मतलब x 1 माइनस x स्क्वायर dx। यही से आप लिख ले 0 टू 1 x, ये हो गया 1 प्लस 1 बाई 12, ये हो जाएगा x प्लस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x टू पावर 4 बाय 4 माइनस 2x क्या बाय 3, 0 से 1। तो 1 ही रखना है आपको सर, हो जाएगा 1 प्लस 1 का 1 बाय 2। आंसर इज 1 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मैम इसका ग्राफ कैसे बना, मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया। ग्राफ देखो ऐसे बना है, यहाँ पे छोड़ो आप सिंपल नॉर्मल लाइन पे, यदि लो मान लीजिए x एक्सिस y एक्सिस बात ही नहीं कर रहा है, इस ये एक लाइन ली है हमने, और साइन स्कीम से आप इसका ग्राफ ढूंढ रही है। y इज इक्वल टू x 1 माइनस x का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर लिख दो। आपको पता है ये 0 है और 1 है, ठीक है। 1 से पहले बच्चा पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव ही रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव, यही तो है, ठीक है। yes, ma'am. अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर ऊपर ग्राफ, फिर 0 तो हुआ है और फिर से पॉजिटिव ही है और फिर नेगेटिव हो गया, ठीक है। yes, ma'am. तो आपको ये नहीं चाहिए, आपको बीच बीच का चाहिए था। डोंट ये कर्व ट्रेसिंग से भी ट्राई कर सकते हो, वैसे ही ग्राफ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स, एक्स इज इक्वल टू ई एंड एक्स इज इक्वल टू वन बाई, एक्स इज इक्वल टू ई, एक्स इज इक्वल टू वन बाई ई एंड एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ई स्क्वायर माइनस वन बाई ई, ओके, टू बाई ई, टू बाई ई, और इसमें आंसर दोनों का ही रॉन्ग लग रहा है मुझे। आंसर दिया टू माइनस टू बाई, चेक करेंगे दोबारा, दोनों चेक करो, टू माइनस टू बाई ई, इसमें आंसर यही लिखा हुआ है, एक बार आप लोग चेक कीजिए वरना फिर मैं कराती हूँ। मेरा सिर्फ 2/E आ रहा है, 2/E आ रहा है, रुकिए चेक कर लेंगे। lnx का इंटीग्रेशन x lnx माइनस x होता है ना, x lnx माइनस x कॉमन में x lnx माइनस x, हाँ सही है। अच्छा देखिए सर, यदि ग्राफ की बात करें आपकी, ये होता है आपका बूढ़ा ग्राफ, है ना।
अब आपको बताएं ये x इज इक्वल टू कौन है, ये तो 1 है, 1,0। यहाँ पे आपका e रहा होगा कुछ आगे, ये e को मैं 0, 1/e पीछे होगा, इसलिए पीछे होगा ना, 1 से पीछे, 1 से छोटा, 1/e। तो आपको ऐसा कुछ एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है। हम ये दोनों एरिया ढूंढ रहे हैं, दिख रहे हैं दोनों एरिया, ये और ये। तो आपको नहीं पता है नेगेटिव है तो मॉड के साथ आया, ये नेगेटिव एरिया है ना, क्या तो उसे माइनस के साथ रखो या मॉड के साथ आए, तो मॉड में रख लें 1/e to 1 ln x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से e ln x dx। ln x का जानते हैं हम लोग है ना, या इसे मैं नेगेटिव में रख लेती हूँ, नेगेटिव कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा 1 से e वाला कर रहे हैं तो x ln x माइनस 1, 1 से e माइनस x ln x माइनस 1, 1 से 1/e to e। तो ये कितना आएगा, e ln e माइनस 1 फिर माइनस 1 ln 1 माइनस 1 e ln e माइनस 1 माइनस 1/e ln 1/e माइनस। ठीक है, अब ln e ये तो 1, ये तो 0 हो गया, माइनस ln 1 0, ये माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, ये फिर से 0, ये माइनस माइनस प्लस 1/e। ln e को आप लिख सकते हैं ln 1 माइनस ln e माइनस 1 है ना, ये ठीक है। देखो अंदर वाला ब्रैकेट, इसे मैं लिख दूं ln 1 माइनस ln e माइनस 1, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1/e, ln 1 इज 0, ln 1 हो गया आपका 0, तो माइनस ln e होगा माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/e, 1 माइनस 2/e। फिर भी तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट चेंज लग गया मुझे, कुछ देखो रह तो नहीं गया, और कुछ तो नहीं छोड़ दिया हमने, एक बार रीचेक कर लेंगे। अरे ये देखो गड़बड़ कर दिया है ना, पूरा गड़बड़ कर दिया, 1/e से 1 ये 1 होगा ना, आप लोग बता दो, 1 होगा, 2 माइनस 2/e, ये 1 1, ये 0 हो जाएगा, 1 एक और आएगा, आएगा 2 माइनस 2/e, तो 2 कॉमन 1 माइनस 1/1, आंसर मैच कर रहा है। तो क्या गड़बड़ की थी आप लोगों ने, नेगेटिव नहीं लिया होगा उसके आगे और सॉल्व कर दिया होगा। हाँ मैम, नेगेटिव नहीं लिए थे। यस मैम, अभी ऊपर नोट में लिखा है मैंने वही चीज है ना, कि ऐसा आता है तो नेगेटिव लिया जाता है आपको। चलिए आगे लिखो, आगे लिखो, ये मीटिंग एंड होने वाली है, क्वेश्चन लिख लो। चलिए फाइंड करके लाना है आपको, फाइंड एरिया ऑफ एलिप्स, एलिप्स का एरिया पता होता है सबको, पर फाइंड करके लाना है। Find area of ellipse. Ellipse लिख लो, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. Find करके लाएं. Find करके लाएं. है ना? Symmetrical figure है आपके, चारों तरफ. यही तक ही रखिए, बाकी का next class में करें. और module try कर लो, level 4. Level 4 indefinite का. This is in doubt class, वो definite. उसको डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है।